टास्क के लिए रश्मि देवो ने की हदें पार। पोल पर घंटों रहे खड़े, खड़े खड़े ही की पेशाब। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। टिकट टू फिनाले टास्क में आखिरी टास्क रश्मि देसाई और देवोलीना के बीच हुआ। इन दोनों को बिग बॉस की तरफ से दो पोल दिए गए थे। दोनों को इस पोल पर खड़े रहना था और घर वालों को उन्हें उतारने की कोशिश करनी थी। टास्क के दौरान देवोलीना और रश्मि देसाई ने घंटों पोल पर खड़े रहकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस दौरान बिग बॉस ने रश्मि और देवोलीना के लिए घोषणा करते हुए कहा कि आप दोनों ये टास्क लगातार 13 घंटों से कर रही हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। लेकिन इन दोनों पर बिग बॉस की घोषणा का कोई असर नहीं हुआ। इतनी देर बिना वॉशरूम में जाए पोल पर खड़े रहना काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। सुबह के समय देवोलीना ने उमर और प्रतीक से रिक्वेस्ट की कि वो उन पर पानी डालें, क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाना है और पोल पर खड़े होने के कारण वो बाथरूम नहीं जा सकती, इसलिए वो खड़े ही टॉयलेट कर देंगी और उसकी बदबू नहीं आए इस वजह से प्रतीक को उन पर पानी डालना पड़ा। प्रतीक भी तुरंत मान गए और उन्होंने स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर देवोलीना पर फेंका। घर वालों ने रश्मि देसाई और देवोलीना पर पानी फेंका, हाथ और पैरों पर तेल डाला, हालांकि यह दोनों ही नीचे नहीं उतरे। और यह देखकर बिग बॉस ने इस टास्क की लेवल भी बढ़ाई। उन्हें शूज की जगह नंगे पैर पोल पर खड़े होने के लिए कहा गया। आखिरकार देवोलीना नीचे उतर गई और यह टास्क रश्मि ने जीत लिया। वेल, ऐसा कई बार देखा गया है कि टास्क के लिए बिग बॉस के घर में हदें पार होती हैं। पर रश्मि और देवो ने वाकई काबिले तारीफ टास्क किया है। इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।